हेलो, वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट्स। और आज मैं शेयर करूंगा आपको एक और न्यू हाउस प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फ्रंट की। इसका फ्रंट है 25 फीट, 25 फीट है इसका फ्रंट। ओके, देन अब हम बात करेंगे इसकी डेप्थ की। जो इसकी डेप्थ है वो है 52 बावन फीट, 52 फीट है इसकी डेप्थ। ओके, तो 25 बाई 52 का ये हमारा प्लॉट है। अब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हमें जो है इसमें डिज़ाइन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बेसिकली 2 BHK सेट है, मतलब कि 2 बेडरूम सेट रहेगा ये, और ये हमारे बेडरूम्स हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड। इसी के साथ साथ एक किचन, एक डाइनिंग, स्टेयरकेस, पॉर्च एरिया, ड्राइंग रूम, लॉन और एक अटैच टॉयलेट। तो ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया है, क्या क्या इसके साइजेस हैं और इसका वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले मेन गेट जो हमारे इसमें एंट्रेंस है वो है राइट साइड से। ये 10 फीट 9 इंच का हमारा यहाँ पे मेन गेट आएगा। ओके, हम इसको अगर छोटा लगाना चाहें तो इसको हम मेन गेट को कम भी कर सकते हैं, 9 फीट का भी कर सकते हैं और 10 फीट का भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 8 फीट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन गेट आ जाएगा, यहाँ से हमारा एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस के बाद आपका जो पोर्च आएगा वो 10 फीट 9 इंच बाई 14 फीट, मीन्स लेंथ जो है वो है 10 फीट 9 इंच और जो इसकी डेप्थ है वो है 14 फीट 9 इंच। ठीक है, 14 फीट 9 इंच। ओके, ये हमारा पोर्च हो जाएगा। इसमें आप 4 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम इस वाले एरिया की। पोर्च के लेफ्ट साइड में हमने फ्रंट में ये ओपन स्पेस छोड़ रखा है। इसका साइज 6 फीट 8 इंच है ये विड्थ। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल प्लॉट के एंड तक रहेगी। यहाँ पे आप बरामदा बना सकते हैं, लॉन बना सकते हैं आप इसको, और अदर सिटिंग स्पेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंडस्केपिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी इसी एरिया से एक डोर आएगा आपका। ये इस डोर से आपको एक्सेस मिलेगा ड्राइंग रूम में। इस ड्राइंग रूम में फ्रंट वॉल पर, राइट वॉल पर, लेफ्ट वॉल पर आप सोफा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सीटर आ जाएगा, ये 4 सीटर आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4 सीटर आ जाएगा। ओके, और ये आपके सेंटर टेबल, और इसका जो साइज है वो है 13 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 3 इंच, 13 फीट 3 इंच ऐसे लेंथ में और 10 फीट 3 इंच ऐसे डेप्थ में। क्लियर है? सही है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपके गेस्ट हैं, उनको आपको ड्राइंग रूम में लेके आना है, या आपको ड्राइंग रूम से गेस्ट रूम, वो बेडरूम में या लोबी में जाना है, तो उसके लिए तो एक ओपनिंग की जरूरत होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने ओपन छोड़ रखा है ये। ओके, ये वाला स्पेस ओपन रहेगा। आप चाहें तो इसमें डोर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ओपन भी छोड़ सकते हैं। प्राइवेसी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे डोर लगा सकते हैं, नहीं तो ओपन भी चलेगा। ओके, तो यहाँ तक लोबी तक आ गए हैं। एक एसेस तो ये हो गया ड्राइंग रूम से, दूसरा एसेस है आपका मेन डोर से। जो हमारा मेन डोर है वो ये आएगा। यहाँ पे आप जो है 3.5 फीट का मेन डोर लगा सकते हैं। ओके, मेन डोर के साथ ही आपको सबसे पहले मिलेगी स्टेयर केस। ओके, ये हमारी स्टेयर केस है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस तरीके से आपका पूरा स्टेयर केस कंटिन्यू रहेगा। ओके, बाहर नहीं है ये स्टेयरकेस। बाहर में फायदा ये होता है कि आप आराम से जो है ऊपर का पोर्शन रेंट पे दे सकते हैं, बट ये इनसाइड है तो आप ये रेंट पर नहीं दे सकते। अगर आप रेंट पर देना चाहें तो आपको ये वाला हटा करके मेन डोर यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, मेन डोर आपका यहाँ पर आए और ये वो लट जाए तब ये बाहर हो जाएगा, तब एक चांस है कि आप यहाँ पे इसको रेंट पे दे सकते हैं। तो बाकी आगे की बात करते हैं। यहाँ से आपको एसेस मिल जाता है लोबी के लिए, लोबी डाइनिंग। इसका साइज है 15 फीट 10 इंच बाई 14 फीट 9 इंच। ओके, 15 फीट 10 इंच रहेगा ये ऐसे,
और 14 फीट 9 इंच रहेगा ऐसे। ओके क्लियर। इसमें आप जो है डाइनिंग टेबल लगाना चाहें तो डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, और बाकी ये वाले जो दोनों कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आप पूरा सोफा सीटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं। लो भी सही ओपनिंग दी है यहाँ पे हमने किचन के लिए। इस किचन का साइज 7 फीट 7 इंच बाई 9 फीट का रहेगा। 7 फीट 7 इंच ऐसे और 9 फीट ऐसे। इसमें आप बड़े आराम से यू शेप का स्लैब डाल सकते हैं, हुड लगा सकते हैं, सिंक लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं। ओके इससे आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेडरूम 1 एंड दिस इज बेडरूम 2। क्लियर। जो हमारा बेडरूम 1 का डोर रहेगा वो ये रहेगा, ऐसे अंदर की तरफ खुलेगा ये। देन इसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा बेडरूम में, और इसका साइज 11 फिट 5 इंच बाई 12 फिट 3 इंच रहेगा। ठीक है, 11 फिट 5 इंच ऐसे और 12 फिट 3 इंच ऐसे। बेडरूम का लेआउट आप आराम से देख सकते हैं, बेड राइट वॉल पर, एलसीडी यूनिट लेफ्ट वॉल पर। ओके क्योंकि हमें एक बेडरूम के साथ अटैच करनी है टॉयलेट, तो इसी से हमने टॉयलेट का एक्सेस दिया है ये। ठीक है, इसका साइज 8 बाई 6 फिट 3 इंच, 8 फिट ऐसे और 6 फिट 3 इंच ऐसे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। देन अब सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम में जो डोर आएगा वो इस तरीके से खुलेगा, और इससे आपको एक्सेस मिलेगा बेडरूम 2 में, और इसका साइज 12 फिट 4 इंच बाई 12 फिट 3 इंच है। 12 फिट 4 इंच ऐसे। जो हमारी फर्स्ट डिमेंशन होती है वो लेंथ में होती है, सेकेंड जो होती है वो डेप्थ में होती है। ओके तो लेफ्ट वॉल पर आपका है बेसिकली बेड, राइट वॉल पर आपका एलसीडी यूनिट, और इसमें से एक डोर हमने दे रखा है ओपन में। ठीक है, आप ओपन का डोर यहाँ से ना दें, आप ओपन का डोर दें यहाँ पर से। ठीक है, और बचे हुए स्पेस की आप बना दें विंडो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये विंडो हो जाएगी एंड दिस विल बी योर डोर। पीछे आपको ओपन मिलता है 15 फिट 5 बाई 6 फिट का। इसका जो है पर्पस मैं आपको बता दूंगा वो क्यों है। क्लियर। तो अब मैं आपको बात करूंगा इसके वेंटिलेशन की, कि वो इसका क्लियर है या नहीं है, कैसा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग रूम में। इस ड्राइंग रूम में ये विंडो है और ये वाली विंडो है। ओके, फ्रंट में ये सारा ओपन है, तो ओपन से इसका वेंटिलेशन भी हो जाएगा एंड इसका वेंटिलेशन भी ईजिली हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, स्टेयरकेस में आप वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप विंडो लगाएंगे, पोर्च के थ्रू जो है आपकी वेंटिलेशन आएगा, और पोर्च में भी, इसमें स्टेयर लॉबी में भी वेंटिलेशन ईजिली हो जाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे हम किचन की। किचन में यहाँ पे वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एरिया तो क्लोज हो गया है, और यहाँ से आएगा तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है जाल छोड़ सकते हैं इस लोबी में। ठीक है, जाल छोड़ सकते हैं और शाफ्ट भी छोड़ सकते हैं, उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाल के थ्रू भी लोबी में और किचन में वेंटिलेशन ले सकते हैं, बाकी शाफ्ट छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लोबी में यहाँ पे वेंटिलेशन और किचन में कम है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। बेडरूम, बेडरूम टू और टॉयलेट में, इन तीनों में वेंटिलेशन के लिए हमने ये कॉर्नर ढूंढा और जो से अटैच है और उसको हमने ओपन कर दिया है। अब क्या फ़ायदा हो गया है कि ये वाला जो ओपन स्पेस है इसको हम वॉशिंग एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में, लॉन में, बैकयार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इस ओपन होने की वजह से इस टॉयलेट में जो वेंटिलेटर है उसके थ्रू टॉयलेट का वेंटिलेशन होगा, इस बेडरूम में ये विंडो है इसका वेंटिलेशन होगा, एंड लास्ट इस बेडरूम में जो विंडो है ये अब उसका भी वेंटिलेशन होगा। क्लियर। तो कोई मसला नहीं है इसमें वेंटिलेशन का, एक्सेप्ट किचन और लोबी के। तो आप अगर इस प्लान में ये जो है रिक्वायरमेंट देखें, इसका साइज़ देखें, अगर वो आपके प्लॉट से मैच करती हैं तो आप इसे रेफरेंस ले सकते हैं। और बाकी आप मेरे लिए अगर न्यू डिज़ाइनिंग कराना चाहें डिफरेंट प्लॉट साइज विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स तो आप करवा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADVZ आर्किटेक्ट्स। टेक केयर एंड बाय बाय।